वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल फ्रेंड्स। हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JKSSB पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट जॉब, देन दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन इज द रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर। Here answer is 1987. Option C is the right answer. The development that meets the need of the present generation without compromising the ability of the future generation to meet their own demand is known as. Here उसे क्या कहते हैं, sustainable development. Option B is the right answer. Next question is what is the other name of report of our common future. The other name of report our common future is Brundtland report. Option A is the right answer. Next question is how many principle of sustainable development. तो यहाँ पे principle की बात हुई है friends। जो इसके goals हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल हैं 17, बट यहाँ पे प्रिंसिपल की बात हुई है, तो प्रिंसिपल कितने हैं 3। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इम्फेसिस ऑन द, किसके ऊपर इम्फेसिस करती है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज में क्या क्या दिया है, यहाँ पे दिया है ए इज़ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन एफिशिएंट मैनर, बी है यहाँ पे शिफ्ट टू रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और सी है यहाँ पे रिड्यूस पोल्यूशन। तो जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है वो एम्फेसिस करती है इन तीनों पे। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस एंड कम्युनिटी रेजिलेंस फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबिलिटी। आंसर इज सोशल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, जो ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस एंड कम्युनिटी रेजिलेंस है वो फॉल करती है किसमें, सोशल सस्टेनेबिलिटी में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The economic sustainability focuses on which of the following objectives? जो economic sustainability है वो focus करती है इनमें से किस objective पे? तो first दिया है यहाँ पे reckless utilization of resources, second है establishing large number of industries, C है यहाँ पे socialist mode of development। तो यहाँ पे inclusive economic growth पे जो है वो क्या करती है, फोकस करती है। द इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी फोकसेस ऑन द इंक्लूसिव इन इकोनॉमिक ग्रोथ। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन विच ईयर। द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन द ईयर 2011। द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन विच ईयर। आंसर इज 2012। ठीक है, द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन द ईयर 2012। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर देयर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर सब डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी टारगेट्स। ठीक है, तो टारगेट कितने हैं, जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनको डिवाइड किया गया है हाउ मेनी टारगेट्स में। तो आंसर इज 169। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 169 गोल्स में 169 टारगेट में इनको जो है क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। द SDG 1 डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। द SDG 1 डील्स विद नो पॉवर्टी। नो पॉवर्टी इज द राइट आंसर। द SDG 1 डील्स विद नो पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वालिटी एजुकेशन इज मेंशनड इन विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो क्वालिटी एजुकेशन इज मेंशनड इन विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आंसर इज 4।
क्वालिटी एजुकेशन इज मेंशन्ड इन फोर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फोर है उसमें क्वालिटी एजुकेशन मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड हैज़ टू अचीव यूनिवर्सल एंड इक्विटेबल एक्सेस टू सेफ एंड अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल बाय विच ईयर। वर्ल्ड हैज़ टू अचीव यूनिवर्सल एंड इक्विटेबल एक्सेस टू सेफ एंड अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल बाय विच ईयर। आंसर इज 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइम पीरियड ऑफ अचीविंग SDGs इज। द टाइम पीरियड ऑफ अचीविंग SDGs इज क्या है? टाइम पीरियड 15। द टाइम पीरियड ऑफ अचीविंग SDGs इज 15। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन SDGs। ये जो SDGs का है इसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन SDGs। आंसर इज लाइफ ऑफ माउंटेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर एंडेड आर एक्सपायर्ड इन विच ईयर। जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं वर एंडेड आर एक्सपायर्ड इन विच ईयर। आंसर इज 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर इम्पॉर्टेंट। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। मीन्स रिड्यूसेस इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, ब्रिंग्स सोशल डेवलपमेंट और सी है यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनियन मिनिस्ट्री इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ SDGs। विच यूनियन मिनिस्ट्री इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनरेगा स्कीम वाज लॉन्च 2006 टू अचीव विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो जो मनरेगा स्कीम है वाज लॉन्च इन द ईयर 2006 टू अचीव विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आंसर इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन पब्लिक मिनिस्ट्री। तो आंसर है यहाँ पे नीति आयोग। SDG इंडिया यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन पब्लिक मिनिस्ट्री। आंसर इज नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 21 इज नीति आयोग प्रिपेयर SDG इंडिया इंडेक्स ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मैनी सस्टेनेबल गोल्स। जो नीति आयोग है प्रिपेयर करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मैनी सस्टेनेबल गोल्स। आंसर इज 13। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट टॉप्ड द SDG इंडिया इंडेक्स 2019। आंसर इज केरला। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। कौन सी स्टेट ने टॉप किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स इंडिया इंडेक्स 2019 में? आंसर इज केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्या है? ए बी सी डी। ए है 2, 5, 7, 9 और बी में दिया है जो लिस्ट टू में है वो है जेंडर इक्वलिटी अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी जीरो हंगर। उसके बारे में है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो ये है कि एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो सस्टेनेबल गोल्स हैं इनको अच्छे से एक बार देखना पड़ेगा तभी हम जो है इसको करेक्ट मैच कर पाएंगे। सबसे पहले है 2 लिस्ट, जिनके 2 जो है जो सस्टेनेबल गोल 2 है उसमें क्या है
तो उसमें है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। बी में है, जो बी में फाइव है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फाइव है, जो उसके साथ मैच होगा एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। सेवन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेवन में क्या है, इसमें है जेंडर इक्वालिटी, और नाइन में है जीरो हंगर। ठीक है, सो सेकंड के साथ क्या आएगा, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेवन है वो है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। फाइव के साथ है एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेवन है उसमें है जेंडर इक्वलिटी, और नाइन में है जीरो हंगर। नाइन में क्या है, जीरो हंगर। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू करेक्टली। लिस्ट वन में है नो पॉवर्टी, रिड्यूस इन इक्वालिटी, उसके बाद में है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, और डी में है क्लाइमेट एक्शंस। सबसे पहले जो है, जो लिस्ट टू में दिया है, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो नो पॉवर्टी विल मैच विद वन, जो फर्स्ट वाला जो हमारा सस्टेनेबल गोल है उसमें है नो पॉवर्टी, रिड्यूस इन इक्वलिटी, ये है हमारा फर्स्ट में, टेन में दिया है रिड्यूस इन इक्वलिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टेन जो है उसमें मेंशन है रिड्यूस इन इक्वलिटी। उसके बाद में जो डिसेंट वर्क एंड एनएफ ग्रोथ है वो है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एट में, और क्लाइमेट एक्शन से है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थर्टीन में। ठीक है, नो पॉवर्टी वन, रिड्यूस इनक्वालिटी टेन। सबसे पहले क्या है, नो पॉवर्टी वन, उसके बाद में है रिड्यूस इन इक्वलिटी टेन, उसके बाद में है डिसेंट वर्क एंड एनएफ ग्रोथ एट में, उसके बाद में है हमारा क्लाइमेट एक्शंस किस में है थर्टीन में। नो पॉवर्टी वन, रिड्यूस इनक्वालिटी टेन, डिसेंट वर्क एंड एनएफ ग्रोथ एट में, क्लाइमेट एक्शंस थर्टीन में। सो ये था इसका करेक्ट मैच, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अभी यहाँ पे भी मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। देखो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इसमें से क्वेश्चन तो 100% बनना ही बनना है, तो यहाँ पे अभी फिर इन्होंने क्या किया है, लिस्ट वन में दे दिया है इनिशिएटिव, और उसके बाद में लिस्ट टू में रिलेटेड एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिए हैं यहाँ पे। सो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ये किस में है, ये है हमारा नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है एसडीजी 13 में। नेक्स्ट इज आयुष्मान भारत योजना, ये किस में है, ये है 3 में। उसके बाद में है अमृत, AMRUT, ये है 11 में। उसके बाद नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन जो है ये है 3 में, यानी कि थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड है 10, 10 में दिया है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन एसडीजी 10 में। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज विल मैच विद 13, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज विद मैच विद 13, आयुष्मान भारत योजना विल मैच विद 3, अमृत विल मैच विद 11, एंड नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन विल मैच विद 10। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट मैच।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फ्रेंड्स फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है एसडीजी वर इम्प्लीमेंटेड इन 2015. नेक्स्ट इज एसडीजीज कंसिस्ट ऑफ 179 टारगेट. अभी अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, तो कितने हैं 169 टारगेट हैं. सो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड्स. तो यहाँ पे ओनली वन इज़ द राइट आंसर. सिर्फ फर्स्ट वाला जो है वो सही है, सेकंड वाला गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट. अभी इनकरेक्ट की बात हुई है, तो एसडीजी 5 डील्स विद द जेंडर इक्वलिटी. तो इनकरेक्ट की बात हुई है, जेंडर इक्वलिटी में जो है वो 5 डील नहीं करता है. सेकंड है यहाँ पे एसडीजी 15 डील्स विद द लाइफ बिलो वाटर. उसके बारे में थर्ड में है एसडीजी 17 डील्स विद द पार्टनरशिप ऑफ द गोल्स. हियर आंसर इज ऑप्शन 2 और 3. जो 2 और 3 है वो क्या है, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है एसडीजी 5 डील्स विद द जेंडर इक्वालिटी, ये सही है. एसडीजी 5 जो है वो किस में डील करता है, वो करता है जेंडर इक्वलिटी में. हमने पहले भी ये चीज़ जो है क्या की है, डिस्कस की है. ठीक है, एसडीजी 5 जेंडर इक्वलिटी है ना. सो यहाँ पे जो इनकरेक्ट है वो कौन कौन सा है, वो है हमारा सेकंड एंड थर्ड, यानी कि एसडीजी 15 डील्स विद द लाइफ बिलो वाटर और एसडीजी 17 डील्स विद द पार्टनरशिप ऑफ द गोल्स. यहाँ पे जो एसडीजी 5 है वो डील करता है विद द जेंडर इक्वलिटी. सो ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो 2 और 3 इज इनकरेक्ट. सो आंसर इज ऑप्शन बी. सो फ्रेंड्स ये थे आज के 27 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. फ्रेंड्स इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% बनेगा, आप इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कीजिए. सो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक अच्छे से टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स. बाय बाय, टेक केयर.